नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद आचार्य। मैं ग्वार सीट के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस चार्ट के अंदर 3390 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि इन भाव से चार्ट ने, मतलब प्राइसेस ने, तीन बार रिकवरी दिया है, बहुत अच्छा रिकवरी। और एक बार तो भाव जो है ऊपर 4000 को भी क्रॉस किए थे। सेकेंड टाइम जब ये 3390 का सपोर्ट पकड़ा तो इसने लगभग 3850-60 के आसपास के भाव को देखा। अभी थर्ड टाइम फिर इसने 3390 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ में ये फिर खड़ा हुआ और लगभग 3700 के आसपास इसके भाव देखने को मिले। देखिए, अभी इस चार्ट में जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। क्रिटिकल इन द सेंस कि अभी ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये ग्वार के प्राइसेस जो है वो अपसाइड में मूव करेंगे या डाउन साइड में मूव करेंगे। लेकिन ये एक स्टार अपॉर्चुनिटीज है और इस स्टार अपॉर्चुनिटीज में अगर हम देखें तो 3500 अभी इसका करंट एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। भाव जब भी 3600 को क्रॉस करते हैं आप इसमें बाइंग बना सकते हैं और उस कंडीशन में 3700 तक के लेवल से एक बार देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें देखने और समझने की बात यह है कि अगर 3700 का जो इसमें ब्रेकिंग पॉइंट्स बार बार देखने को मिल रहा है, अगर उस पॉइंट्स को अबव प्राइसेस क्लोज आते हैं तो अपने पास में एक ऑप्शन रहेगा कि हम इसकी बाइंग पोजीशन को लगातार कैरी रखें। और इस बार अगर भाव 3700 को क्रॉस करते हैं तो एक बार फिर से भाव जो है वो 4000-4050 तक के लेवल्स को छू सकते हैं। 3700 के बाद में इसका जो अगला रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 3850 के आसपास का बनता है। लेकिन अगर 3700 के ऊपर भाव बंद आते हैं अब तो 3850 के लेवल ब्रेक होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे और भाव 4000 की तरफ बढ़ेंगे। डाउन साइड में इस कॉन्ट्रैक्ट को वही 3390 का अभी बहुत अच्छा सपोर्ट है जिसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। अभी प्राइसेस लगभग 3500 के आसपास चल रहे हैं। आप 3390 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और 3600 क्रॉस होने के बाद में इसमें बाइंग पोजीशन को और आप एक्स्ट्रा इंक्रीज कर सकते हैं। 3700 के ऊपर और इंक्रीज करें और 4000 तक का टारगेट इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो नवंबर का जो ग्वार कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी 3600 के ऊपर प्राइसेज जाते हैं आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स ग्वार के कॉन्ट्रैक्ट में इस बार देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में जब ग्वार की आवक बाजार में सामने आएगी तब पता चलेगा कि क्या शॉर्टेज रही है, क्या क्रॉप के साइज रहे हैं, क्रॉप साइज एक्स्ट्रा आए हैं या क्रॉप साइज में गिरावट आई है। ये सब चीज़ें जो है वो आगे मंडियों में जब आवक शुरू होगी उससे आइडिया लगेगा। फिलहाल फंडामेंटल के तौर पे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज इसमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन टेक्निकली एक स्टार शूट आउट इसमें देखने को मिल रहा है जो कि 3600 के ऊपर बनेगा और 3390 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू।